भारत से मिली करारी हार के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम में फूट पड़ रही है। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं और अब धीरे धीरे उनके बयान और सुर बाहर आ रहे हैं। भारत पर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसे देखकर हर भारतीय हैरान रहा, तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम और बेसबॉल को लेकर ऐसा धागा खोल रहे हैं कि मानो अपनी ही टीम को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। फूट पड़ चुकी है इंग्लैंड क्रिकेट टीम में और उनके दिग्गज खिलाड़ी ही आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला, जी हां, भारत ने 4-1 से अपने नाम कर ली और इसको काफी समय भी बीत चुका है, लेकिन समय के साथ इंग्लैंड के घाव भरने वाले है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। एक ऐसी टेस्ट हार जो ऐतिहासिक थी इंग्लैंड के लिए 434 रन से, उसके बाद एक पारी और रनों के अंतर से हारना, और इनफैक्ट जब इंग्लैंड पहला टेस्ट मुकाबला जीत चुका था और उसके बाद एक ऐसी हार, इसके बाद अंग्रेजों के शोर, बयान, वक्त, जज्बात, सब कुछ बदल चुका है। और आपको ये भी बता दें कि WTC के उस पॉइंट्स टेबल के लिहाज से इंग्लैंड उस रेस से भी बाहर हो चुका है। इन सब के बीच अब इन दिग्गजों के सुर कैसे बदल चुके हैं, कैसे इसकी टीम में फूट पड़ चुकी है, कैसे बेसबॉल को अब आड़े हाथ लिया जा रहा है इंग्लैंड दिग्गजों के द्वारा, चलिए आइए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, आप क्या कहते हैं इंग्लैंड की हार के ऊपर। तो जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहला टेस्ट मुकाबला हार चुके थे, प्रमुख दिग्गज खिलाड़ी लगातार बाहर हो रहे थे और पहले से ही दिग्गज खिलाड़ी तो बाहर थे। इन सब के बीच भारत की युवा टीम ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जो क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। भारत के उस WTC के फाइनल की रेस में सबसे फिलहाल आगे हैं और अब वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के उस फाइनल में जाने का भी आ गया है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बताने वाले हैं कि अंग्रेज, जो कि एक बड़ा सपना लेकर आए थे UAE की पिचों पर, भारत जैसी पिचों पर तैयारी करके आ रहे थे। बेसबॉल ब्रेंडम मैकुलम की अगुवाई में कोई भी सीरीज इंग्लैंड हारी नहीं थी और इतनी बड़ी और शर्मनाक हार मिली तो फिर अपनी ही टीम पर वो बरस पड़ी। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर इंग्लैंड के कोच ब्रेंडम मैकुलम के कैसे सुर बदले और उसके बाद बताएंगे कैसे दिग्गज खिलाड़ी बता रहे हैं इंग्लैंड को और कैसे उनके खेमे में फूट पड़ चुकी है। हम आपको बता दें कि भारत से मिली करारी हार के बाद, जो कि अंतिम मुकाबला पारी और 64 रन के अंतर से हार, वो बहुत बड़ी चीज थी। और अब ब्रेंडन मैकुलम ने हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर बयान दिया और उनमें उन्होंने कहा, कुछ समय पर आपको खुद की चीजों के अनुसार थोड़ा अलग करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से हम इस सीरीज में पीछे रहे उससे हमारा पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने साफ स्वीकार किया है कि हमारा पर्दाफाश हुआ है, हमारी कई चीजें उजागर हुई है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी है हम पिछड़ते गए, यही कारण था कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों पर दबाव बनाया उसी दबाव के कारण हम पिछड़ गए। उनका मानना था कि भारत ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया। इंग्लैंड जैसे जैसे आगे सीरीज में बढ़ रहा था इंग्लैंड डरपोक हो रहा था, ये खुद ब्रेंडम मैकुलम ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, भारत ने सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि भारतीय टीम ने गेंद से भी हम पर दबाव बनाया और वही दबाव का कारण हम इस सीरीज में बहुत बड़े और रनों के अंतर से हार गए। बता दें कि इंग्लैंड टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट मुकाबला जीता और उसके बाद चारों हारे। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट पिछले कुछ साल से आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए बेसबॉल शैली को अपनाया और ब्रेंडम मैकुलम ये जो बेसबॉल शैली को लेकर आए, और इससे पहले ब्रेंडम मैकुलम हारे नहीं थे लेकिन भारत में हारे हैं, तो इनके सुर और बयान बदल चुके और अब ये कह रहे हैं कि कुछ समय पर आपको कुछ चीजों के अनुसार थोड़ा अलग करना पड़ता है, हमें बदलाव करना होगा, हमारा पर्दाफाश हुआ है। और ऐसा ही कुछ कहना है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा, यह सच है कि बेसबॉल शैली भारतीय पिचों पर कारगर साबित नहीं हो सकी, मगर टीम की हार का कारण ये कतई नहीं था कि हम बेसबॉल से हार गए हैं। भारत ने हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था जिससे वो अपनी घरेलू परिस्थितियों में धाकड़ बना रहा। उन्होंने कहा कि भारत के युवा खिलाड़ी, जिनको हमने बहुत से युवा खिलाड़ियों को देख खेलते हुए देखा जिन्होंने भारत के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले मैच के बाद भारतीय टीम काफी शानदार रही, 4-1 से सीरीज में ये साफ दिखता है कि भारत कैसे काम कर रहा था। जब कभी भी दबाव भारत पर आता कोई ना कोई खिलाड़ी उस दबाव से भारतीय क्रिकेट टीम को निकाल लेता, ये साफ तौर पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने स्वीकार किया है कि ये भारत ही थी जिसने हमने हराया है, बाकी हमारी बेसबॉल में कोई कमी नहीं है।
स्टोक्स ने कहा, मैं बहुत निराश हूँ खुद के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए, क्योंकि इस दौरे के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, हम यहाँ काफी उम्मीदें लेकर आए थे, सोचा था कि भारत को भारत में हराएंगे, हमें पूरा भरोसा था कि हम इन्हें पूरा भी कर सकते हैं, भारत को भारत में हरा सकते हैं, और जिसके लिए हमने अच्छी शुरुआत भी की थी। लेकिन श्रृंखला एक चार से गंवाने के बाद मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम भी यही कहेगी कि हम अंतिम चार मैचों में पूरी तरह से विफल रहे। उन्होंने कहा, विफलताओं से सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा, लेकिन उन्होंने कहा ये बेसबॉल से नहीं बल्कि भारत के उस बल्लेबाजी से हम हार चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड दिग्गजों का कुछ और ही मानना है। जैसे नासिर हुसैन ने तो बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा, मुझे लगता है बल्लेबाजी दृष्टिकोण से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देने और सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंग्लैंड को बल्लेबाजी पे सुधार करने की जरूरत है। आपकी योजना जो भी हो, आपके कोच और कप्तान जो भी कहे, आपको अच्छे गेंदबाजों के आगे समझदारी से खेलना होगा। उन्होंने कहा, आपके कोच और आपके कप्तान के कहने से आप हर बॉल को बाहर नहीं भेज सकते, आपको खुद की भी कुछ समझदारी लानी होगी। अगर कोई गेंदबाज अच्छा है तो उसे सम्मान देना होगा। नासिर ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को सुझाव दिया कि बेसबॉल के पीछे छुपने की बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें और बल्ले से सुधार का प्रयास करें। यह है फूट पड़ने की वजह। नासिर हुसैन ने साफ तौर पर अपनी मेहमान टीम के बल्लेबाजी की आलोचना की और कहा कि खिलाड़ी बेसबॉल के पीछे नहीं छुप सकते हैं, उन्हें सच में खेल पर ध्यान देने की जरूरत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बेसबॉल के कारण हो गया, हम इसी अप्रोच के साथ में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया, उनके पास बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, बड़े बड़े नाम उनके पास नहीं थे, और वो सीरीज में 1-0 से पिछड़ भी चुके थे, और उसके बाद 4-1 से हराना ये भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत जैसी टीम से हारने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन आप बेसबॉल के आड़ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने बेसबॉल के बारे में बहुत सुना, बहुत कहा, लेकिन खिलाड़ियों को खुद के प्रदर्शन के बारे में सोचना होगा और इसमें सुधार करने की जरूरत है, नासिर हुसैन ने साफ माना। ऐसा ही तो माना है माइकल वॉन ने भी। भारत के खिलाफ हार पर कड़ा रवैया अपनाने की जरूरत है, माइकल वॉन ने कहा। माइकल वॉन ने अपने एक बयान में कहा, भारत ने श्रृंखला में करारी हार के बाद मेरा मानना है कि इस समय इंग्लैंड की टीम की ईमानदारी से समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि टीम में समीक्षा होनी चाहिए। इंग्लैंड का 2003 से 2008 तक का नेतृत्व करने वाले वॉन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत है। वे भारत के खिलाफ मिली हार के बाद बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन बेसबॉल आक्रामक रवैया सही भी है, हर जगह सही है, ये सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भी जो करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम बेसबॉल के साथ, मैं उसका सम्मान करता हूं। हर दिन जल्दी उठकर मैं उन्हें देखता भी हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रारूप को रोचक बनाया है और हमेशा लगता है कि मैच में कई मोड़ आने वाला है। वॉन ने कहा, इससे बड़ी निराशा यह है कि जब उनके पास वास्तव में दुनिया भर के प्रतिस्पर्धी होने की प्रतिभा है, लेकिन दो बड़ी श्रृंखलाओं को जीतने में विफल रहते हैं। इस मामले में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से विफल रही। वॉन ने टीम प्रबंधन के खिलाड़ियों के प्रति बहुत नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह समझते हैं कि शिविर में सकारात्मक मौज मस्ती, हंसी मजाक की भावना व्यक्त है, लेकिन यह हमेशा वांछित परिणाम नहीं ला सकती। उन्होंने कहा, सकारात्मक में आप उत्साह, अवसर और मौज मस्ती के बारे में बातें वही सुनते हैं जो पिछले कुछ वर्षों से मैं कई खिलाड़ियों और सहयोगियों से सदस्यों से सुनता आ रहा हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सही आकलन करना होगा, गलतियां कहां हुई हैं वहां से सीखना होगा और आगे गलतियां न दोहराने की बात करनी होगी। तो माइकल वॉन ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया है, लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि इंग्लैंड के खेमे में फूट पड़ चुकी है। खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने माना बेसबॉल में कुछ सुधार की जरूरत मानेंगे। कोच ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत ने उनका पर्दाफाश किया है। दिग्गज तो खैर अब बेसबॉल को हटाने की बात ही कर रहे हैं। इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।